हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विद लॉ। सो AIB 18 बहुत ही जल्द आप देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 29 अक्टूबर को आप देंगे अपना AIB 18 का एग्जाम। तो कई सारे डाउट्स हैं आप सभी के मन में। मुझे हर रोज कमेंट में कई लोग पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है और बैरक्स कहाँ से खरीदे, कौन से लैंग्वेज में हमें कहाँ मिलेगा बैरक। तो ये सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करूंगी, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। और हाँ, अभी मैं एक्चुअली कई और जगह भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा अलग दिख रहा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी को बता दूँ कि अभी तक आपने मेरे गो विथ लॉ जो चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सर के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि बैर एक्ट हमें कहाँ से खरीदना है। तो देखिए, बैर एक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं अपने कई सारे प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो बैर एक्ट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा सवाल ये है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो हिंदी का बैर एक्ट है वो कहाँ मिलेगा। तो हिंदी का जो बैर एक्ट है वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब हिंदी में कौन सा बैर एक्ट खरीदे, हिंदी में एक डिजलॉट बोल के बैर एक्ट आता है, DIGLOT, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिजलॉट बैर एक्ट, ये आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट अमेजोन में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं खरीदा तो जल्द से जल्द खरीद ले, क्योंकि आप जब AIB एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये कैरी कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो। डिजलॉट बैर एक्ट में क्या है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो वो दोनों लैंग्वेजेस के लिए, जो मतलब जिन्हें जो लैंग्वेज समझ में आता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होगा ये। और एक बात, एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है हमें। तो एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे पहला आप लेकर जाएंगे अपने बैर एक्ट। अगर आपके पास बैर एक्ट ही नहीं है तो आप कैसे अपना AIB 18 का एग्जाम देंगे। दूसरी बात, ये पेन लेकर जाइएगा, बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन आप एक्स्ट्रा रखिएगा, एक लेकर मत जाइएगा, एक्स्ट्रा पेन रखिएगा, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। और फिर आता है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड मत भूलिएगा दोस्तों। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई सारे कैंडिडेट एडमिट कार्ड्स भूल जाते हैं, फिर वो जो इन्विजिलेटर है उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें वो कहते हैं बार बार कि सर मैं तो भूल ही गया। तो ये अगर आप ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ देखिए कई लोग कर बैठते हैं, पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि छोटी से छोटी गलतियाँ भी तो गलतियाँ होती है, तो जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, वो ये गलतियाँ नहीं करें, ठीक है। मैंने खुद अपना AIB एग्ज़ाम दिया है, मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन मैंने बहुत केयरफुली किया, बहुत ही शांत दिमाग से मैंने किया जो भी किया। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ होती है वो आपको नहीं करना है। चौथी बात ये, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझसे एक कमेंट आया था, मेरे पास मुझसे पूछ रहे थे कि 3 घंटा कम होता है क्या AIB देने के लिए। तो देखिए, ऐसे तो 1 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और देखा जाए तो 1 घंटा भी कुछ नहीं है, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आपकी मेमोरी कैसी है, आप किस तरीके से, आप कितनी जल्द से जल्द आप उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके हाथ पर है कि आप 1 घंटे में पेपर ख़त्म करते हो या 3 घंटे में पेपर ख़त्म करते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि जो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं कई लोगों के लिए, और कई लोग 2 घंटे में ही अपना पेपर ख़त्म करके एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाते हैं। तो ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो अच्छे से जाइए। और ये कुछ जो मैंने आपको बात बोली कि बैर एक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, हाँ सच्ची में ऑनलाइन में अवेलेबल है। अगर आपके आसपास कोई बुक स्टोर है तो आप वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। हिंदी बैर एक्ट जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो डिजलॉट बैर एक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और लॉ मैंस के बैर एक्ट के बारे में मुझसे पूछ रहे, तो देखिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो लॉ मैन वाला जो बैर एक्ट है वो बिल्कुल बेस्ट है, उससे अच्छा बैर एक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने खुद अपना AIB एग्जाम में मैं ये लॉ मैंस की बैर एक्ट लेकर गई थी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और एक बात, जो OMR शीट में आप सर्कल करते हैं वो दोस्तों आप केयरफुली करिएगा, क्योंकि उसमें अगर गड़बड़ हो गई तब तो आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। और वाइटनर रखिएगा पास में, वाइटनर से कई बार ऐसे अलाउड तो नहीं है वाइटनर, लेकिन बाय चांस मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आप जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जो भी टीचर उपस्थित रहेंगे उन टीचर से पूछकर आप वाइटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनसे बिना पूछे आपको वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। और वाटर बॉटल कैरी करके जाइए, नर्वसनेस के कारण आपको प्यास भी लगती है। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। बैर एक्स लेकर जाइएगा, ठीक है, जो CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फैमिली लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स के 6 बैरक्स मैंने आपको बताए थे, फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स। तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस AIB के ऊपर नहीं देखा है तो।
तो मैं जो बोलती हूँ आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए, आप आराम से अपना AIB 18 क्लियर कर पाएंगे। और कोई वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहली बात ये कहा कि आपको बैर एक्स नहीं भूलना है, बैर एक्ट आप लेकर जाएंगे। दूसरी बात ये, आपको एक्स्ट्रा व्हाइटनर एक्स्ट्रा पेन कैरी करना है, पानी का बॉटल जो होता है वाटर बॉटल आप वो ले जा सकते हैं, और एडमिट कार्ड मत भूलिएगा। अगर आपने एडमिट कार्ड भूल गया तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, हो सकता है कि वो लोग आपको बैठने ही ना दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कैरी करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में। और बैर एक्ट के बारे में आपको बता ही दिया कि डिजिलॉट बैर एक्ट हिंदी मीडियम के लिए है, और फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। लॉमेंस के बैर एक्ट भी है, यूनिवर्सल के बैर एक्ट भी है। बैर एक्ट देखिए, सारे बैर एक्ट अलाउ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये वाला बैर एक्ट नहीं ले जा सकते। बस बात यही है कि जो भी आप बैर एक्ट लेकर जाएंगे वो विदाउट कमेंट्स या विदाउट शॉर्ट नोट्स के होने चाहिए, ठीक है। अब विद शॉर्ट नोट्स या विद कमेंट्स वाले बैर एक्ट्स आप नहीं लेकर जा सकते हैं। विदाउट शॉर्ट नोट्स और विदाउट कमेंट्स वाले जितने बैर एक्ट्स हैं, यूनिवर्सल के हो, लॉमेंस के हो, डिजिलॉट के हो, जो भी बैर एक्ट्स है आपके पास वो आप लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, कमेंट सेक्शन आप ही का है दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। और अगर किसी भी नए टॉपिक पर आप वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। So bye bye, take care everyone, good night.